हाँ यार बैट्समैन कौन है, बैट्समैन कौन है, पिंटू और इंपोर्टेंट मैच। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। राउत क्रिकेट एकेडमी एंड इवेंट्स प्रेजेंट RCA T10 प्रीमियर लीग 2024 ओपनिंग जोड़ी कैपिटल की पिंटू यादव और उनके साथ कृष्णा। बॉलिंग की शुरुआत करेंगे पहला ओवर लेकर शब्बूर। अच्छी शुरुआत, बिल्कुल आगे की लाइन सटीक, फुल लेंथ डिलीवरी के साथ, फुल लेंथ के साथ शुरुआत किया है। पिछले मैच में ऐसी बॉलिंग करते हुए इंदल को आउट किया था, एक्स्ट्रा दिया था। ओवर द विकेट, क्या ये बैट का किनारा, बिल्कुल अंपायर ने अपर फिंगर रेज एंड अप किया है। आउट हुए बल्लेबाज पिंटू यादव, क्या कैच पकड़ा है, राइट साइड में डाइव लगाकर विकेट कीपर का एक लाजवाब कैच। पिंटू यादव आउट पहले ही ओवर में। खाता खुला नहीं है पिंटू का, विकेट गिरता हुआ। कप्तान को पहले ओवर में आना पड़ा, यहां पर पार्थ चंदन। पहले इनिंग के आंकड़े इनके अच्छे हैं बैटिंग एवरेज अगर देखा जाए तो, और कैपिटल्स को अगर ये मैच जीतना है तो इनका बल्ला चलना चाहिए। अगर ये इनका बल्ला चलता है तो कैपिटल्स टीम अच्छा टोटल सेट करेगी। शॉट की आवाज सुनिए, कितना स्वीट साउंड ऑफ द बैट आवाज है। कैपिटल्स का पूरा खेमा काफी उत्सुक है। अच्छी फील्डिंग तुषार द्वारा, तुषार ने जबरदस्त एफर्ट दिखाकर गेंद को स्टॉप किया है। सबूर शेख, ये वेस्ट हाई के ऊपर और बीमर। फ्री हिट बॉल फेस करेंगे पार्थ, और इससे अच्छा बढ़िया क्या हो सकता है, अगर खाता खोलना तो सामने फ्री हिट बॉल हो। सबूर शेख, फ्री हिट बॉल, व्हाट अ हिट, पार चंदन आ गए। जितनी तेज बॉल बैट पर आई उतनी डबल रफ्तार से बॉल गई है, और कैमरामैन हमारे विकास कामले उनके बिल्कुल हाय बाय बोल के गए उनके बगल से, और गेंद का हवा लगा है उनको थोड़ा सा। पार्थ चंदन पहला सिक्स इस मैच का उनके लिए। सबूर शेख, ये भी हवा में गैप है। पार्थ चंदन कैपिटल्स टीम के लिए कप्तान, चल पड़ा है सीना तान। नीलसन आंकड़ा स्कोर कार्ड पर 11 पर एक अप। स्कोर 11। राइट एम ओवर द विकेट, इस बार सेंसिबली पुश किया बॉल को, मिड ऑन पर खिलाड़ी कप्तानी, डायरेक्ट हिट लगा लेकिन पार्थ इन हो गए वहां पर।
ओवर कंप्लीट, एक ओवर के बाद स्कोर है कैपिटल्स का 12-1। चलिए किंग्स और टाइटंस के प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मैच फिलहाल नहीं है दोस्त, तो थोड़ा सा ऑलरेडी अभी छांव हो रहा है शाम का समय, तो बाउंड्री लाइन पर जाएंगे तो उतना टाइम कम बचेगा। राहुल सर द्वारा ये अनाउंसमेंट है। किंग्स वाले, किंग्स और टाइटंस, नया ओवर लेकर कैप्टन, कैप्टन के सामने कैप्टन फराद खान, फराद खान उनके सामने पार्थ, पहले ओवर में 12 रन आए सबूर शेख के। तेज बॉल डाली थी थोड़ा सा, डॉट बॉल के साथ बॉलर बैक टू ड्राइव, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका और डॉट के साथ दो ओवर, दूसरे ओवर की शुरुआत। अच्छा स्ट्रोक नहीं लिया, रन मना किया वहां पर, मुश्किल क्योंकि डेंजर एंड पर खुद दौड़ते थे, अगर कॉल दिया होता तो सही डिसीजन सही समय पे। फराद के सामने खिलाड़ी उनका विकेट चाहते, एक ही वजह फिलहाल बॉलिंग का, हल्के हाथों से इस बार कवर की रिजर्व में गेंद को ढकेल दिया, गैप पे गेंद गई है, जायसवाल दौड़ रहे हैं, बैकअप खिलाड़ी आते हुए लॉन्ग ऑफ से, कितना अच्छा वहां पर फासला तय किया, लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे, डीप एक्स्ट्रा कवर कर गए फील्डर वहां पर, और इन बिटवीन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच दो रन दौड़ कर पूरा किया पार्थ ने और उनके साथीदार खिलाड़ी नौ से गेंद पर कृष्णा। स्कोर हो चुका है 14 रन। आधी पिच पर ये पटकी हुई बॉल जिसको यहां पर ऑन ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर खिलाड़ी वहां पर तुषार, चार गेंदों में अब तक फराद ने सिर्फ दो रन दिए, अच्छी बॉलिंग, फ्लाइटेड बॉल थी और इस बार कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15 पर, इस ओवर की आखिरी बॉल फेस करेंगे अब कृष्णा, अब तक एक भी गेंद उन्होंने खेली नहीं है इस इनिंग में। डॉट बॉल, ओवर कंप्लीट, दो ओवर के बाद टोटल स्कोर है 15-15। इब्राहिम बॉलिंग मार्क पर, लास्ट मैच में बैटिंग बॉलिंग सब कुछ अच्छा, जिसके से प्लेयर ऑफ द मैच इनको दिया गया था, सामने पार्थ, ये विकेट हो सकता है, ये विकेट हो सकता है, लेकिन जजमेंट खराब, देखिए ये बड़ा मौका हो सकता है, कॉलिंग, ये कैच इजली होता था, सिर्फ कॉलिंग की आवश्यकता थी, प्रॉपर प्लेयर अगर कॉल देता हर्ष सिंह, जाना चाहिए था हर्ष सिंह को, कैपिटल्स का ये बड़ा विकेट था ये। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर, इब्राहिम ने अच्छी शुरुआत की बॉलिंग की, पहली बॉल पर ही चांस क्रिएट किया उन्होंने, ये थोड़ी सी डाउन द लेग बॉल और मिसफील्ड, मिसफील्ड और चार रन, दैट्स अ रन, कृष्णा के बैट से ये पहला चौका, T20
टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है। दोनों बल्लेबाजों ने अब रन जोड़ना चालू कर दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर, 20 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ वन विकेट, टीम का कैपिटल्स आरसीए। इब्राहिम राइट हम ओवर द विकेट, इस बार मिडिल स्टंप पर बॉल था और कवर रीजन में बॉल को ढकेल दिया, खेलते गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉल चिकी रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21-21 पर। वाव जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर है, स्वीपर कवर से जाते हुए। ये अच्छी कप्तानी, अच्छी कप्तानी, अच्छी फील्डिंग की सजावट यहाँ पर सनराइजर्स द्वारा, पार्थ के द्वारा, पार्थ के लिए। ट्वेंटी टू रन स्कोर कार्ड पर। इस बार थोड़ा सा जो बैट का फ्लो था लेट आया, बॉल तब तक निकल चुकी थी। अच्छी बॉलिंग कर रहे इब्राहिम, इब्राहिम वेलेस का मैन ऑफ द मैच, पहले मैच के किंग्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन, बल्ले से रन और विकेट्स भी लिए थे। कृष्णा स्ट्राइक पर, सीधे बैट से ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, बॉल जाता हुआ यहाँ पर मिड ऑफ, मिड ऑन के बगल में, कप्तान आते हुए लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करने के लिए। अच्छा ओवर इब्राहिम द्वारा। इसी के साथ तीन ओवर के बाद कैपिटल का स्कोर है 23-23 पर एक आफ्टर थ्री ओवर। तीन ओवर के बाद 23 रन स्कोर कार्ड पर लगे 23। पार्थ विनोद मात्रे अब बॉलिंग के लिए हैं। लास्ट मैच के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रूशियल ओवर डालकर इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी इन्होंने, विकेट्स भी लिए थे। पार्थ के सामने होंगे कृष्णा, पहली बॉल बैकफुट पर खेलने के लिए गए थे, आगे की बॉल खेल गए, आगे फ्रंट फुट पर खेलते तो शायद अगर ड्राइव करते कवर रीजन में तो रन्स मिल सकते थे। और अगर स्लाइस भी करना चाहिए था तो थोड़ा सा फुटवर्क नजर नहीं आया। चलिए पहली बॉल बॉलर के नाम गया, डॉट बॉल, ये वाइड होगा क्योंकि लेग स्पिन जरूर हुई लेकिन पढ़कर बाहर। वाइड इस बीच, आम बॉल, बैक टू बैक दो गेंदे वाइट, ये सीधी बॉल, दो गेंदे अब तक आम बॉल डाला, उसके बाद ये सीधी लाइन, दो वाइट, उसके बाद दो डॉट। इस बार कवर में स्ट्रोक खेल दिया। फील्डर यार कौन है?
स्कोर 26. अब पार्थ के सामने पार्थ, स्कोर कार्ड बैकफुट पे इस बार पंच किया गेंद को और अच्छी फील्डिंग वहां पर साहिल जायसवाल द्वारा. वाह, स्कोर 27-27. अच्छी गेंद अपील, लेकिन उतना आत्मविश्वास भरा अपील नहीं था. पांच गेंदे हो चुका और अब तक चार रन दिया इन्होंने. एक और अच्छा स्पेल T10 फॉर्मेट में, अगर अब 10 से कम रन देते हैं वो भी सेट बैट्समैन के खिलाफ, तो ये दर्शाता है कि ये कमबैक वाला ओवर हो सकता है. लास्ट मैच में भी इसी तरह का एक ओवर डाला था और विकेट चटका गए थे वहां पर पार्थ विनोद मात्रे. ये आखिरी बॉल है 27-1 स्ट्राइक कृष्णा के पास. एक और आम बॉल आ सकता है. हवा में गेंद और कैच के लिए जाना चाहिए था यहां पर. थैंक यू सो मच कहा यहां पर ऊपर वाले को कृष्णा ने. गेंद थोड़ा सा आगे गिरा मिड विकेट के फिल्टर से. ओवर की समाप्ति, डॉट बॉल के साथ अच्छा बॉलिंग किया पार्थ विनोद मात्रे ने और चार रन का वह ओवर था. अब चार ओवर के बाद बैटिंग करते हुए कैपिटल्स, उनका स्कोर हुआ है 27-27. तीन ओवर में 23 थे और चार ओवर में 27 है. स्पिनरों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज, स्पेशली प्रीत उमेश मात्रे, मैं नाम लेना चाहूंगा प्रीत मात्रे का, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है. पार्थ ने भी अच्छी बॉलिंग की, पार्थ विनोद मात्रे ने, विवेक ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की. मंथन गायकवाड़ एक दो ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट्स. अश्विन शेलके स्पिनर्स ने प्रभावित किया आज के इस पहले खेल में, पहले दिन के. हर्ष सिंह है पहला ओवर लेकर अपना स्पेल. फॉलो थ्रू में गेंद रोकने का प्रयास और आराम से बड़े इत्मीनान से एक रन पूरा किया. पार्थ ने सिंगल लिया. पार्थ थोड़ा सा इंतजार कर रहे खराब गेंदों का, थोड़ा सा गेम बना रहे. कृष्णा स्कोर 28 पर, हर्ष सिंह बैकफुट पर खेला स्टोक था कवर रीजन में और अच्छा कॉल, अच्छी तालमेल, एक रन. तीन ओवर में 23 था, उसके बाद चार ओवर में 27. पांचवी ओवर की शुरुआत ही, दो गेंदों में अब तक दो सिंगल्स आए. सनराइजर्स का कमबैक तो हो गया है इस मैच में, इसमें कोई दोराई नहीं. जिस हिसाब से शुरुआती दो ओवर में अच्छे खासे 10 प्रति रन ओवर बन रहे थे, लेकिन उसके बाद पिछले दो तीन ओवर में कमबैक हुआ है इस टीम का, फिनली टीम का. एक और अच्छी बॉल हर्ष सिंह की, क्योंकि फील्डिंग उस प्रकार सजाई गई है पांच चंदन के लिए. बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, एक डिप विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, ये ताकत है इस एरियाज पे. थोड़ा सा हवे में शॉट ज्यादा खेलते पार्थ, ये पता है उनको कि अगर थोड़ा सा भी गेंद मिसटाइमिंग होता है तो चांस बच सकता है, इसलिए फिलहाल संभल कर बैटिंग करें. खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं, ये खराब गेंद डाल बैठे और देखिए बॉल बाउंड्री तक भी गई है. तरफ तरफ अभ्यास, ये बल्ला घूम रहा है, डगआउट घूम रहा है. करत करत अभ्यास, जड़ मती हुए सुजान, मेहनत करते गए और फाइनली यहां पर पार्थ को मिली यहां पर बाउंड्री. और ये तो अभी शुरुआत है शायद, क्योंकि ये फ्रीड बॉल होगा आने वाला. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, हर्ष सिंह यॉर्कर डालिए कब या फिर बाउंसर ट्राई कर सकते, क्योंकि ये फ्रीड बॉल, अगर बैट के नीचे बॉल मिल गया तो फिर हाय बाय. आउटसाइड एज और गेंद थर्ड मैन की तरफ, फ्रीड बॉल था. इस बार पार्थ को सिर्फ बैट घुमाना था और बल्ला घुमाया और चार रन पाया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पर. पार्थ
पार्थ जा पहुंचे 26 पर, टीम का स्कोर 38 पर, कैप्टन नॉक, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन लीडिंग बाय द एग्जांपल पार्थ चंदन। सेंसिबल क्रिकेट, गेंद को आने दिया अपनी तरफ और उसके बाद जेंटल पुश, पॉइंट रीजन पर एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 39 पर। इस ओवर की अगर लेखा जोखा देखें तो 12 रन आए अब तक। कृष्णा आखिरी बॉल फेस करेंगे। पार्थ ने जो इस ओवर में अच्छे खासे रन बनाया, कृष्णा पर दबाव हटाया। कृष्णा 8 पर बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट को थोड़ी सी बढ़ानी होगी इनको। और इस बार बॉल जाता हुआ शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और देखिए यहां पर थोड़ी सी तालमेल में गड़बड़ी। हर्ष की गलती, हर्ष की गलती और जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की आखिरी बॉल पर दो और इसी के साथ कुल मिलाकर 5 ओवर पूरे हो चुके। 4 ओवर में 27 था और 5 ओवर के बाद स्कोर है 41, 14 रन का ये ओवर था पांचवा ओवर, और 5 ओवर के बाद स्कोर है 41, लॉस ऑफ 1 विकेट। पांच के बाद 41, पार्थ पहली बॉल पार्थ के सामने, पार्थ बड़े पार्थ हावी। पार्थ चंदन देखिए बल्ला घूम रहा है, डगआउट पूरी तरह झूम रहा है, एंजॉय करती हुई बैटिंग टीम इस अपने कप्तान की बैटिंग का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, फ्लाइट दी थी इस बार पार्थ ने और गेंद को टेक ऑफ कराया वाइडिश लॉन्ग के ऊपर से 6 रन। देखिए रन देते हैं पार्थ मात्रे लेकिन विकेट भी चटकाते हैं, ये भी भूलना नहीं है। एकाग मिस टाइमिंग स्ट्रोक हो जाता है तो चांस बन जाएगा फिर। ये सामने है भाई एक और सिक्स, फ्लाइटेड बॉल सामने और इसी के साथ 50 का अगला पूरा होता है कैपिटल्स का। स्कोर 53 और पार्थ चंदन जा पहुंचे 39 के स्कोर पर। आज के दिन अब तक एक भी 50 आया नहीं है। फराद ने 49 बनाए, 46 बनाया इब्राहिम ने, 42 बनाया अश्विन ने और 39 पे फिलहाल है इस वक्त पार्थ चंदन। अर्धशतक से 11 रन दूर है पार्थ मात्रे। बैक टू बैक दो गेंदे, दो मैक्सिमम उनके खिलाफ, क्या यहां पर 3 कंसेक्यूटिव सिक्सर हम देखेंगे यहां पर। हाफ ट्रैकर बॉल, गैप पे शॉट, गैप पे शॉट, चौका। ये खिलाड़ी अनोखा है, बल्ले से एक शानदार चौका है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57, अब अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्कोर 43 पर जा पहुंचे 6-6-4। 3 गेंदों में इन्होंने आंकड़े बदल दिए हैं फिलहाल। थोड़ा सा ये खराब कॉल फराद का, पार्थ स्पिन खेलना पसंद करते हैं, फास्ट बॉलर के सामने अब तक थोड़ा सा दोनों बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आए, सिंगल डबल खेलते नजर आए। ओहो हो, एक और सिक्स लॉन्ग के ऊपर से। चलिए अगर किसी ने नई फोर व्हीलर या बाइक ली है तो अगर किसी को वीआईपी नंबर चाहिए तो पार्थ चंदन को संपर्क करें 6-6-4-6। 63 रन बन चुके हैं। तेजस गायकवाड़ काफी खुश टॉप पर बैठकर और इंजॉय करते हुए अपने कप्तान की बैटिंग का। 63 रन बन चुके हैं, पार्थ 49 पर खेल रहे, फराद के हाईएस्ट स्कोर की बराबरी कर ली इन्होंने। फराद ने भी 49 रन बनाकर आउट हुए थे और पार्थ चंदन
कमाल की पारी खेली पार्थ चंदन ने, शुरुआत में थोड़ा सा अटैक करते नजर आया, फिर मिडिल्स ओवर में थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस लेवल दिखाया, धैर्य कैसा होना चाहिए क्रिकेट में, और उसके बाद फिर अपना यहाँ पर जलवा बिखेरा इन्होंने। सेट होने के बाद बॉलर्स और फील्डिंग टीम को अपसेट किया, 49 पर बैटिंग कर रहे, टीम का स्कोर है 63, कैपिटल्स को पता है इंपॉर्टेंट मैच है। चलिए 50 है पारी, बिल्कुल खास और है, एक नहीं दो है, इस डबल के साथ सामने वाली टीम को ट्रबल किया इन्होंने, कप्तान के बैट से ये लाजवाब अर्धशतक, बैट दिखाना पार्थ, पहला 50 लगाया इन्होंने, पहले खिलाड़ी 50 और बिल्कुल खास पारी। कैप्टन नॉक, पहले कप्तान जिन्होंने अर्धशतक लगाया है आरसीए टी10 प्रीमियर लीग में, इस बार कवर रीजन में बॉल को ढकेल दिया, गैप पे बॉल जाता हुआ लॉग ऑफ खिलाड़ी वहां पे मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड और देखिए अंततः एक ही रन। ये बड़ा ओवर पार्थ मात्रे का जिसमें 25 रन आया, मंथन बता रहे, और इसी के साथ 6 ओवर के बाद 66 रन बन चुका है, 5 ओवर में 41 थे और 6 ओवर के बाद अब स्कोर है 66, 66। 52 पर बैटिंग कर रहे पार्थ चंदन, अर्धशतकीय पारी, फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर, अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी और अच्छे फॉर्म में थाने प्रीमियर लीग में जिनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा, भले टीम बाहर हुई लेकिन सभी को अपने खेल का छाप छोड़कर वहां पर आए, नवी मुंबई बोनकोड़े का एक खिलाड़ी। इब्राहिम, ये पिछला ओवर इनका था, इनको देना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत मूव हो गई, पार्थ का एक ओवर बचा के रखना चाहिए था पार्थ मात्रे का, उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। ओहो अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, यही लाइन बैक ऑफ द लेन लाइन और बाल बाल बचे प्लेड ऑन होने से। डॉट बॉल के साथ इब्राहिम वेलस्कर ने शुरुआत किया, पिछला स्पेल अच्छा था, 8 रन दिए थे, स्कोर है 66। पार्थ चंदन सामने सीधा 6, अब तो ऐसा लग रहा है बाकी सबको हेलमेट पहनना पड़ेगा भाई, बालचंद्र जी राउत भी थोड़े से डर गए वहां पर, काका हमारे स्कोर 72, पार्थ अब 58 पर। सनराइजर्स का थोड़ा सा सूर्यास्त करने के प्लान से उतरे कैपिटल के कप्तान, और लीजिए नजरें हटी और दुर्घटना घटी, मंथन मंथन वो कैच ऊपर गया था, वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट कैच था जो कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन खराब कॉलिंग की वजह से कैच हुआ था ड्रॉप, अगर वो पकड़ा जाता स्कोर 76, 62 पे बैटिंग कर रहे पार्थ इन जस्ट 27 डिलीवरीज, कम खर्चा ज्यादा चर्चा, विस्फोटक पारी, तूफानी पारी, सामने इब्राहिम, अच्छी बॉल फॉलो थ्रू में इस बार गेंद को रोका है। अब ऐसा लग रहा पार्थ को ये लेदर बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, हर बॉल पर हिटिंग कर रहे, ये भी बॉल अच्छा स्ट्रोक था लेकिन सीधा बॉलर बैक टू ड्राइव, अच्छी फील्डिंग इब्राहिम वेलस्कर द्वारा अपने इस दूसरे ओवर के स्पेल में, कुल मिलाकर 18 रन दिए लेकिन विकेट लेस रहे, एक ही विकेट गिरा अब तक, सिंगल, पुश करो खुश रहो, वैसी बल्लेबाजी फिलहाल पार्थ ने किया, और जब जब बड़े स्ट्रोक लगाने के मौके मिले तब तक हवाई हल्ला भी देखने मिला इनके बल्ले से, स्कोर है 77। सातवें ओवर की अभी भी एक गेंद बाकी, कृष्णा 10 पर खेल रहे फिलहाल कृष्णा, चलिए कोशिश थी कि बैठी गंगा में मैं भी हाथ धोता हूं लेकिन डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद स्कोर है 77, 7 ओवर के बाद 77।
चाबुक स्कोर, चाबुक बैट से पार्थ चंदन, ही इज ऑन फायर। करेक्ट बैटिंग पार्थ का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 और वन साइडेड बैटिंग कर रहे हैं, एक तरफा खिलाड़ी 67 पे बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर है 81। जो भी बॉलर आ रहे सबकी यहां पर खबर ले रहे पार्थ। ये पूरी इनिंग में एक बार आपको मौका देते हैं, अगर आप उस मौके को भुना लें ना तो फिर चौके छक्के लगाते। फिर एक बार चांस हर कोई बड़ा प्लेयर देता है, चाहे विराट कोहली हो चाहे पार्थ हो। ये भी अच्छा स्ट्रोक था, ये भी निकल गया भाई। जिधर बॉल जा रहा है ऐसा फील्डर के हाथ में चटके लग रहे, हाथ में बॉल आई नहीं रहे। लॉन्ग ऑफ पर एक और चौका यहां पर पार्थ द्वारा, चौका नहीं है चौका है आज इन्होंने अपने बैटिंग से। 85 बन चुके हैं जिसमें से पार्थ के रन है 71। ये विकेट, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा काफी देर हो गया विकेट आते आते, लेकिन क्या पारी खेली है पार्थ चंदन। धन धनाधन पार्थ चंदन, गजब की पारी, स्टैंडिंग ओवेशन पूरे टीम द्वारा, वेल प्ले पार्थ। नाम इनका पार्थ चंदन लेकिन बल्लेबाजी में दिया धनाधन। 71 रनों की पारी खेली है, अगर डटे रहते तो 100 भी मार देते। पार्थ ने कहा वो बाकी मैचेस के लिए बचा के रखा हूं, फिलहाल 85 पर टीम का स्कोर और उनका 71 रन। फरहाद ने आखिरकार कप्तान ने कप्तान को आउट किया है फरहाद। फायरेंस फरहाद ने आखिरकार विपक्षी टीम के कप्तान को आउट किया और थोड़ा सा सिरदर्द था उसको कम किया। क्या पे खेला हुआ, सिर्फ टाइम करना था, लेट कट नहीं हो तो चौके के साथ पारी का आगाज किया और कह दिया 400 के स्टैंडर्ड से खाता खोलाओ। नीतीश निशाद बैट्समैन का नाम, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 कैपिटल्स का। क्या कैपिटलाइज किया इन्होंने रनों की अगर बात करें तो, स्पेशली कप्तान ने 71 रन की पारी, हाईएस्ट स्कोर एज अ बैट्समैन अब पार्थ चंदन के नाम। लेकिन सेकेंड इनिंग में भी मजा आने वाला, एक तरफ फरहाद होंगे दूसरी तरफ इब्राहिम। एक्सक्लूसिव बैटिंग की थी लास्ट मैच में, ओ साहिल जायसवाल और ये चौका। थोड़ा सा मुश्किल चांस था साहिल के लिए और बैकअप खिलाड़ी सबूर भी नहीं पहुंच पाए वहां पर। स्कोर है 93। इस ओवर में अब तक देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 चौके आए फरहाद को। इस बार थोड़ा सा कैपिटल ने 4 का टेबल बढ़ाया है इस ओवर में, 4 चौके 5 गेंदों में। ये इस बार बड़ा शॉट और 4 विकेट, 4-4-6 ऐसा कुछ ओवर था ये बड़ा ओवर फरहाद का, ये महंगा ओवर। और टोटल स्कोर हो चुका है 99, 8 ओवर के बाद 99 कैपिटल आरसीए।
आठ ओवर के बाद 99 रन स्कोर कार्ड पर कैपिटल्स का, दो ओवर बाकी, क्या इस दो ओवर में कमबैक कर पाएगी? अगर 120 के अंदर रोक देते तो कमबैक कह सकते फिर सनराइजर्स के लिए। कृष्णा इनसे उम्मीद अब है क्योंकि ऑलरेडी 13 गेंदे खेल चुके, सिर्फ 10 पर बैटिंग कर रहे, 100 के नीचे स्ट्राइक रेट है इनका, बढ़ाना होगा। और नीतीश निषाद क्या बैटिंग की है, 3 गेंदे 14 रन। हर्ष सिंह का नया स्पेल, ये आखिरी स्पेल, 9 ओवर, पहली बॉल पर एक ही आया है। नीतीश निषाद अब स्ट्राइक पर है जिन्होंने 3 गेंदों में 14 रन बना दिए स्कोर। चलिए 100 रन पूरा होता है, कैपिटल तालियां बजनी चाहिए। 3 डिजिट में स्कोर पहुंच गया है। हर्ष सिंह बॉलिंग करते हुए, अगर कैपिटल ये मैच जीत जाती तो सभी का आज यही होगा, एक तुम्हारा एक हमारा पॉइंट्स टेबल में। ऊपर गया बॉल और देखना है कितने रन से, कितने रन से अंपायर का सिलाता हुआ चौकेगा नीतीश निषाद। 4 बॉल इन्होंने सिर्फ खेला है, अब तक 18 रन बना दिए भाई। पावर स्ट्राइकर खिलाड़ी अब बन गए इस मैच के। 8 बॉल 18 रन, माफ करना 4 बॉल टोटल 18 पर खेल रहे। ये अच्छी बॉल, 5 गेंदे खेल चुके, 18 पर बैटिंग कर रहे, टीम का स्कोर है 104 कैपिटल्स। इसके बाद अभी भी एक ओवर बाकी है। हर्ष सिंह 3 गेंदे बाकी इस ओवर का, ब्लॉक में गेंद डालने का प्रयास, ऑन ड्राइव कर दिया गैप पे, नो चांस। गेंदे फेस कर चुके, 22 पे बैटिंग कर रहे। कवर रीजन में सिंगल बटोरा इस बार, 7 बॉल खेल चुके और 23 पर जा पहुंचे। लास्ट बॉल, डॉट बॉल और इसी के साथ 9 ओवर कंप्लीट। 9 ओवर के बाद स्कोर है टोटल 109। अगर ये मैच कैपिटल जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल में सभी टीम्स एक एक मैच जीत जाएंगे आज की। अगर इसमें थोड़ा गेम स्पीड अप करना, अंपायर जरा कहिए हमको, सनराइजर्स ऐसा बॉलिंग करते रहेंगे तो फिर काफी टाइम निकल जाएगा। आयुष गुप्ता है आखिरी वाले कर, थोड़ा टाइम कम ले प्लीज फरत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111।
111 बन चुके हैं स्कोर, अब 111 25 पर बैटिंग कर रहे हैं 8 गेंदें फेस की नीतीश निषाद ने। दो रन पूरा, अगर ये शुरुआत से दौड़ते तो 4 रन हो जाता। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 पर, दो गेंदों में अब तक 2 डबल्स आए हैं। अच्छी बैटिंग की है, अच्छा फिनिश दिया अब तक नीतीश निषाद ने। आउट, पॉपिंग क्रीज, थोड़ा सा हवा में पैर था पॉपिंग क्रीज के, स्टंपिंग अच्छी की विकेट कीपर ने और विकेट मिलता हुआ फिलहाल बॉलर आयुष गुप्ता को। व्हाइट का भी कॉल है, व्हाइट के साथ साथ ये स्टंपिंग। कड़क बैटिंग है निषाद ने, स्कोर 118, 3 गेंदें बाकी। कुणाल राज अब गया बैटिंग के लिए, जो कि पहली बॉल पर चौकी के साथ उन्होंने खाता ओपन किया अपना 400 के स्ट्राइक से। ऑन साइड की तरफ बॉल जाता हुआ लॉन्ग ऑफ पर, 2 के लिए दौड़े और पूरा भी होगा। वाह, मोरो मोरो, और ये मोरो मोरो फील्डिंग। हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, लेने के देने पड़ गए। इसे कहते खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। 6 रन टोटल। कभी आपने देखा ग्राउंडेड शॉट खेल के भी 6 रन लिया जा सकता है? ऐसे लिया जा सकता है। सनराइजर्स हाल थोड़ा सा बेहाल, 124 बन चुके और अंकित टेंशन में टाइटंस के। फुल टॉस बॉल लॉन्ग पर फराज, वहां पर अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, एक पूरा हुआ, दूसरे के लिए दौड़ेंगे और नहीं होगा दूसरा। अच्छी बैटिंग की है कुणाल राज, तालियां बजनी चाहिए, अपना काम था वो पूरा किया कुणाल ने। बन चुके हैं लास्ट बॉल, टारगेट सेट करने वाला बॉल, और बैटिंग के लिए गए प्रीत मात्रे, मैन फ्रॉम देसाई गांव। प्रीत बैट घुमाया जरूर था लेकिन कुछ आया तो नहीं इस बॉल पर, अंपायर डिक्लेयर करते हुए इसी के साथ इनिंग कंप्लीट। 126 का टारगेट रखा है कैपिटल्स ने सनराइजर्स का, और आज के दिन का यह हाई स्कोर कैपिटल्स के नाम।
पड़ा मेरे को क्या करना उसके साथ। पहली पहली क्रिकेट खेला गया ना। हेलो बोल कर फील्डिंग लगानी है फटाफट, फील्डिंग लगानी है पार्थ, मैच चालू करना है। चलिए मैच चालू करना है, रिक्वेस्ट है मैच चालू करना है। ऑलरेडी काफी टाइम निकल गया है, 5:50 सम अराउंड, मैच चालू करना गाइस। यस अंपायर प्लीज टेक द न्यू बॉल एंड टेक द पोजीशन ऑफ द फील्डिंग। सचिन साहू एंड शशांक द टू ऑफिशियल अंपायर फॉर दिस टूर्नामेंट।
मैच चालू करना अंपायर्स ऑलरेडी 550 हो गया साउ वी हैव जस्ट 1.5 आवर लेफ्ट आयुष गुप्ता राइट विकेट लिया तुमने पार्टी पलवा डाल 126 run chase. Welcome back, आप सभी का स्वागत है. Good evening, everyone. Parth Chandan will start the bowling attack. Faraz, captain versus captain. पहली बॉल हल्के हाथों से खेल दिया, इस गेंद को फॉरवर्ड शॉट लेग की तरफ बॉल गया. खाता खोल दिया फराद ने और खाता खोलता हुआ सनराइजर्स आरसीए का. अगर ये कैपिटल मैच जीत जाते हैं तो फुल पॉइंट्स लेवल में उथल पुथल, क्योंकि सब टीमें एक मैच जीतेगी फिर एक मैच हारी रहेगी, फिर नेट रन रेट भी देखना होगा तो मजा आएगा. फिर अच्छी बॉल मिडल लेग स्टंप की तरफ, चैनल पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं इस बार सिंगल इब्राहिम वलिस्कर और उनके साथ फराद खान. पिछले मैच में किंग्स के खिलाफ दोनों ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप था इन दोनों के बीच. 45 मिनट्स के अंदर कैपिटल्स आपको इनिंग कंप्लीट करने. ये आगे बढ़े और जलवा दिखाया फराद ने अपना. नई बॉल और या जूनी गेंद, और इस खिलाड़ी की आदतें भी पुरानी है रन बनाने का. कप्तान के सामने कप्तान चल पड़ा है सीनातान. स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ को क्लियर किया इस बार फराद ने. अच्छी बॉल हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ गेंद को ढकेला है. अच्छी बैटिंग करें फराद को, मालूम है हर ओवर में 12 रन बनाने हैं तो वैसे ही बैटिंग करनी पड़ेगी. अगर शुरुआती 3-4 गेंदों में 10 आ चुके हैं तो फिर सिंगल लेकर 12 तक पहुंचने की कोशिश, ना कि हिटिंग करनी है. एक गलत शॉट काम तमाम पारी दी एंड हो सकती है. फिर फिलहाल 9 बन चुके हैं इस ओवर में. अच्छी क्रिकेट इब्राहिम द्वारा फ्रंट फुट पर इस बार गेंद को डिफेंस किया है सिली मिड ऑफ पर. वहां पर तेजस गायकवाड़ आप देखते बिल्कुल स्टाइलिश तरीके में नजर आ रहे हैं. अच्छी फील्डिंग एक और अच्छी बॉल. कुल मिलाकर इस ओवर में 9 रन आए, टारगेट 126 का, पहले में 9 विदाउट लॉस. पहले ओवर में 9 रन एक ओवर के बाद. 45 मिनट्स के अंदर कैपिटल्स आपको इनिंग खत्म करना है. ओवर नंबर 2 में फास्ट बॉलर की तरफ कप्तान पार्थ ने रुख किया इस बार. नीतीश निषाद देखिए बैटिंग में कमाल किया इन्होंने, ताबड़तोड़ 27 रन बनाए और वही वजह टारगेट 126 और आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर अगर किसी टीम ने बनाया सो ये रिकॉर्ड माइलस्टोन गया कैपिटल्स के नाम. इससे पहले 121 था सनराइजर्स ही जो फिलहाल चेस कर रहे हैं. अगर ये चेस कर लेते तो फिर इनका ही रिकॉर्ड टूटकर इनके नाम ही चला जाएगा 126 का अगर चेस कर लेते हैं तो. तेज बॉल लेकिन दिशा लाइन खराब, अंपायर ने कहा शशांक ने इवाइड है. सचिन साव शशांक दो सीनियर क्रिकेटर और अच्छे अंपायरिंग स्तर के लिए जाने जाते हैं, लीडर क्रिकेट की अंपायरिंग हो चाहे टेनिस क्रिकेट की अंपायरिंग हो. राउत क्रिकेट एकेडमी एंड इवेंट्स आयोजित प्रतियोगिता
नीतीश अच्छा स्ट्रोक था, ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, हल्के तो से ढकेला गेंद को, फरहाद के बैट से सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर। फरहाद खान, इब्राहिम वेलेस्कर, ये वही जोड़ी है जो पहले मैच में अर्धशतकीय साझेदारी का काम किया था, और वही काम अगर इस मैच में भी कर लेते तो फिर सनराइजर्स की उम्मीदें बरकरार सनसेट से पहले। अच्छा शॉट ऑन द राइज, अपिश गैप पे चार रन, लॉन्ग ऑफ की रीजन में इब्राहिम वेलेस्कर के बैट से चौका। दूसरा चौका इस पारी का इब्राहिम का पहला, इससे पहले पार्थ के ओवर में बैट्समैन फरहाद ने सिक्स लगाया था और ये इस इनिंग का पहला चौका। नीतीश निशाद बॉलिंग करते हुए, ये डाउन द लेग, ये होता है कई बार, वो गति आपके लिए दुर्गति हो जाती है, गति के चक्कर में दुर्गति, व्हाइट के साथ पांच पंजा, व्हाइट के साथ चार यानी टोटल पांच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर, 20 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। ऑन साइड की तरफ बैट स्विंग किया है, गैप पे शॉट था, अच्छी फील्डिंग तेजस गायकवाड़ वहां पर, एक रन आता हुआ इब्राहिम वेलेस्कर द्वारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचे 21 पर 21। अच्छी शुरुआत मिली है, जो स्टार्ट चाहिए था वैसा ही स्टार्ट मिला, पहले ओवर में 9, उसके बाद इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, साझेदारी पहले विकेट की 21, कैपिटल्स को पहला विकेट चाहिए, इन दोनों में से किसी एक जोड़ीदार को तोड़ना होगा। शॉट है यार कड़क, पार्थ की अच्छी फील्डिंग, आउटफील्ड में स्वीपर कवर तक पहुंचे, डीप कवर से लंबा फासला तय किया है पार्थ ने, अच्छी फील्डिंग, शॉट कमाल का था, बाकी फरहाद के बैट से चापुक चपरात, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर, दो गेंदे बाकी निशाद के इस ओवर में, इब्राहिम ऑन स्ट्राइक, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेलते हुए चिकी रन पूरा किया, पूरा किया, पॉइंट पर खेलना चाह रहे थे, कवर पॉइंट के खिलाड़ी आए बॉल तक, एक बॉल बाकी इस ओवर में, अच्छा स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, 12 प्रति ओवर रन बनाने थे 126 का टारगेट, और अब तक वही काम किया है फरहाद और इब्राहिम वेलेस्कर ने, 23 रन जोड़ चुके हैं अब तक दोनों बल्लेबाज, दूसरा ओवर चल रहा है, एक लास्ट बॉल बाकी, अगर सिंगल आ जाता तो 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन रहा है जो कि ऑल इज वेल। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, पावर प्ले के पावरफुल खिलाड़ी है फरहाद खान, बैट से चौका मिड विकेट रीजन में, ओवर कंप्लीट 2 के बाद 27 विदाउट लॉस।
गैप पे शॉट और ऑन साइड पर नए ओवर की शुरुआत चौके के साथ। प्रीत मात्रे का आगमन और चौके के साथ स्वागत उनका। स्कोर 31, इब्राहिम के बैट से चौका, 2 में 27 था। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर चौका, इब्राहिम जा पहुंचे 11 पर, फराद 14 पर बैटिंग कर रहे हैं। ये साझेदारी जो कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद ही बन सकती है और सामने वाली टीम के लिए हार का भी। फ्लाइट दिया था इस बार मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग। निशात खड़े थे, नीतीश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32 पर। लेग स्पिन था और मिस फील्ड तेजस गायकवाड़ द्वारा, लेकिन अंत था, अंत भला तो सब भला, कुछ नहीं। तेजस को पता है अगर ये बॉल निकल जाता तो एक्स्ट्रा रन होते थे, लेकिन स्टॉप किया। अच्छा बैक चलते, फ्लाइट देंगे तो क्या एक बड़ा शॉट हम देख सकते हैं आने वाली गेंद पर, लेट्स सी। आधे पिच पर फटकी बॉल, अच्छा शॉट, गेंद जाता हुआ लॉन्ग लेग के रीजन में। अंपायर सचिन साहू द्वारा 4 का सिग्नल, ये 4 नहीं हल्का सा हाहाकार है बल्लेबाजी में और पलटवार है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, फराद खान कप्तान है और कप्तान यहां पर अपनी टीम को दुखती नैया को संवारना जानता है। भले बड़ा टारगेट है लेकिन बड़े इरादे से उतरे इब्राहिम वेलेस्कर और फराद खान। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, इस ओवर में भी अब तक 4 गेंदों में 9 रन आ चुके, 2 गेंदे बाकी। टाइम पर ध्यान देना थोड़ा सा, फील्डिंग टीम कैप्टन टाइम पर भी ध्यान देना। फ्लाइट दिया था कवर की रीजन में गैप पे शॉट, हालांकि बैकअप खिलाड़ी कुणाल राज गेंद को फील्ड करेंगे। इसकी आवश्यकता थी नहीं, बॉल पकड़ना चाहिए था और प्रीत मात्रे बॉल बात करने में लगे थे। ओवर थ्रो के एक्स्ट्रा रन फराद के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38-38, 38 रन, 1 to go। प्रीत मात्रे लास्ट बॉल लेकर, इस स्पेल में अब तक 11 है। लेग स्टंप को मिस करा था ऐसा कहना अंपायर का, पिचिंग इन लाइन थी जरूर लेकिन लेग बाई का एकरन। कुल मिलाकर इस ओवर में 12 रन आए जो कि 3 ओवर में अब तक 39 रन बन चुके हैं। 126 का टारगेट, 3 ओवर के बाद स्कोर है 39। टीम मीटिंग नहीं रखना, फटाफट अंपायर हिदायत दीजिए फटाफट। विशाल ताटी आए बॉलिंग के लिए। फराद के पास स्ट्राइक,
विदाउट लॉस 39 सनराइजर्स आफ्टर 3 ओवर. पहली बॉल बैट स्विंग अच्छी, गैप पे शॉट, पीछे खिलाड़ी मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, गुड स्टॉप, जस्ट अ सिंगल. बैट चेंज की मांग कर रहे हैं अब. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर. इब्राहिम वेलस्कर ऑन स्ट्राइक अप. शॉट यार, हेलीकॉप्टर मारे, सीधा लैंड हुआ मैदान के बाहर. क्या शॉट लगाया भाई इब्राहिम वेलस्कर. रील मिल गई यार इंस्टाग्राम पे, रील मिल गई. ओवर पिच बॉल और जिस पर टूट पड़े वहां पर ताते के खिलाफ इब्राहिम वेलस्कर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46. व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे. एक और सीधे बैट से खिलावा स्टोर था लॉन्ग ऑन की तरफ. फिलहाल खिलाड़ी वहां पर है, एक ही आएगा. लेकिन जबरदस्त शुरुआत कर दिया इस ओवर में भी सनराइजर्स के लिए इब्राहिम वेलस्कर ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47. शुरुआती तीन गेंदों में अब तक इस ओवर में आ चुके 8 रन. तीन ओवर के बाद 39 तक, चौथे ओवर की अब तक तीन गेंदों में आ चुके 8 रन. फरहाद के पास अच्छा मौका है इस ओवर को और अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करने का और रन जोड़ने होंगे, कैपिटलाइज करने होंगे इनको. तीन गेंदे बाकी इस ओवर की, क्या वापसी करेंगे विशाल. वाइट यॉर्कर एक ट्राई करना चाहिए यहां से. फुल टॉस और गेंद होने पड़ी विकेट. फुल टॉस गेंद, हमेशा मैं कहता हूं या तो आबाद होता है या बर्बाद होता है. ये विकेट फरात, फुल टॉस गेंद थी और यहां पर चिप करना चाह रहे थे अपीश ऑन दी अप आउट कवर रीजन में. बड़ी विकेट, 47 का पार्टनरशिप टूट गया फाइनली. कप्तान आउट फरात, बैक टू द पवेलियन. प्रतीत आए हैं बैटिंग के लिए और ऐसा प्रतीत हो रहा है इस ओवर, इस मैच में रन बनाएंगे अब. स्कोर फिलहाल 47. बड़ा झटका लगा कप्तान के रूप में. ओहो स्कोप, व्हाट अ शॉट यार, कड़क यार. और मैंने पहले कहा था ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रतीत आएंगे और प्रतीत रन बनाएंगे. और 50 पूरा होता हुआ तालियां बननी चाहिए सनराइजर्स. 50 कम्स अप, 50 पूरे 51 बन चुके 3.5 गेंदों में, यानी इस चौथे ओवर की आखिरी गेंदें बाकी. स्कोर है 51. 400 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत. और ऐसा लगा पहले इन्होंने गेंदबाज की फरमान को रीड कर लिया था कि आगे बॉल डालेंगे और स्कूप किया है. और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा था, ऐसा आसान होता नहीं शॉट लगाना. लेकिन 360 बल्लेबाजी के लिए जाने जाते प्रतीत. शुरुआत अच्छी चौके के साथ विशाल. राइट एम ओवर द विकेट, सामने की तरफ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी वहां पे मौजूद. फंबल जरूर हुए लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ एक ही आएगा. और इसी के साथ चार ओवर कंप्लीट हो चुके. तीन ओवर में 39 थे और चार ओवर के बाद स्कोर है 52 52. अब जीतने के लिए 6 ओवर में 74 चाहिए.
छह ओवर में 74। नया ओवर और अपना आखिरी स्पेल लेकर आया अब प्रीत उमेश मात्रे। 11 रन दिया था पहले स्पेल में इन्होंने। सामने है जिन्होंने स्कूप के जरिए चौका बटोरा प्रतीत। फराद के आउट होने के बाद इन पर और थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कोर है 53। प्रीत मात्रे लेग ब्रेक बॉलर, विकेट लेना जानते हैं और विकेट वाला ओवर हो सकता है ये। पैड, अंपायर का ये पैड लगा है। गुड ट्राई टीम कैपिटल्स। पहली बॉल सिंगल, उसके बाद डॉट। प्रीत उमेश मात्रे एक बार फिर तैयार बॉलिंग के लिए। स्लॉक किया इस बार, हवा में गेंद, गैप पे चौका। इब्राहिम ने दबाव घटाया है और रन बनाने का सिलसिला अभी भी जताया है। 57 स्कोर हो चुका है अब सनराइजर्स का। ये सनराइजर्स सूर्य अस्त होने से पहले अभी भी अपने सनराइज को, उम्मीदों को बरकरार रखी है इस जीत के लिए। भले ही टारगेट बढ़ा है लेकिन इरादे भी बढ़े इस टीम के। स्कोर अब 57, 69 चाहिए। 33 गेंदों में ऑलरेडी इस ओवर की शुरुआत, 3 गेंदों में 5 आ चुका है। हर ओवर में 12 के प्रति औसत से रन बनाना है। अगली बॉल, एक और अच्छा शॉट, गैप 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 चार। कड़क बैटिंग, बेधड़क खिलाड़ी है, कड़क बैटिंग करता हुआ, नाम इनका इब्राहिम वेलस्कर। बैट से एक और चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। इस ओवर में अब तक आ चुके टोटल रन 9, 4 गेंदों में स्कोर हो चुका है 61 और 65 चाहिए 65 अब 32 गेंदों में, 2 गेंदे बाकी। विकेट वाला ओवर कह रहे थे, अब तक ऑलरेडी 9 आ चुके 4 गेंदों में। हाँ ये अच्छी क्रिकेट है, ऑलरेडी 9 आ चुके तो गैप में खेलो आप, डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की ज्यादा जरूरत। पूरे हो गए तो परिपक्वता नजर आ रहा है बैटिंग में, मैच्योरिटी नजर आ रही है। 11 रन आ चुका है इस ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। आधा रास्ता पार किया है टीम ने, सनराइजर्स ने आधा रास्ता और पार करना है, 63 बनाना है, 63 हो चुका है। चलिए स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 2 ओवर का स्पेल प्रीत उमेश मात्रे का खत्म और इसी के साथ टोटल स्कोर है 64। अब जीतने के लिए 5 ओवर में 62 चाहिए, 5 ओवर 62 रन।
वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। गुड इवनिंग, मजा आ रहा है मैच देखकर जिस सबसे दोनों टीमें जीत के लिए जद्दोजहद करती हुई। अब 5 ओवर में 62 चाहिए, 62 रन्स। ओवर डालने कौन आया है? नीतीश निषाद आया बॉलिंग के लिए। इनका भी ये आखिरी स्पेल, स्पीड अप करना है कैपिटल्स, थोड़ा टाइम ज्यादा ले। अंपायर शशांक प्लीज जरा बॉलर को बोलिए। 5 ओवर में अब 62 चाहिए, 64 बने। स्ट्राइक पर इब्राहिम। स्वीपर कवर की तरफ खिलाड़ी वहां पर है, खुद कप्तान पार्थ चंदन। इब्राहिम वेलेस्कर क्या पारी खेली इन्होंने, एक एंड से विकेट गिरा कप्तान का, लेकिन उसके बाद मैच्योरिटी कैसी होनी चाहिए, परिपक्वता, एक स्केल में तजुर्बा वो दिखाया इन्होंने अपनी बैटिंग में। ये बड़ा पारी आपको बहुत बड़ा आगे ले जाता है, बड़ा खिलाड़ी बनाता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 अप इनका और टीम का स्कोर है 65। प्रतीत भी इस मैच में उनका अच्छा साथ दे रहे, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे लेकिन इस मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से प्रतीत बैटिंग कर रहे हैं अब तक। फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला गया। सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। कैलकुलेटिंग क्रिकेट कैसी खेलनी है सब यंगस्टर्स को, सब टीम को अब तक सनराइजर्स ने बताया। 126 का टारगेट, एक तरफा मैच अब तक बिल्कुल नजर नहीं आया, हर ओवर में 12 के ऊपर ही रन बनते हुए हमने देखे। निशात लॉन्ग शॉट, वॉल शॉट गैप पे, थ्रू दी कवर, सुपर से ऊपर कवर के ऊपर चौका। इब्राहिम वेलेस्कर नाम इनका इब्राहिम है, लेकिन अपनी टीम के लिए यहां पर जीत का ड्रीम लेकर आए इन्होंने। स्कोर अब 70 पर जा पहुंचा, 27 गेंदों में 56 चाहिए। थ्रू दी कवर, कवर के ऊपर, सुपर से ऊपर ये मैच चल रहा है और कवर के ऊपर शॉट खेला देखा। 24 दे चुके अब तक निशात, देखिए जितना इन्होंने बनाए थे उतना खर्च भी कर रहे हैं। 27 बनाया था, 24 दे चुके अब तक। इसे कहते हैं फ्रेंच कट, लेमन कट, चाइनीज कट, कुछ भी कह लीजिए, चौका है। अब जा पहुंचे इब्राहिम 39 के स्कोर पर, टीम का स्कोर है 74। अब 26 में चाहिए 52। 26 गेंद में 52 की आवश्यकता। साइलेंस यहां पर सनराइजर्स के खेमे में, क्योंकि जो विकेट नहीं गिरना चाहिए था वही विकेट गिर गया। ये खिलाड़ी सेल्फलेस है, पिछले मैच में भी 46 पर आउट हुआ, अपने टीम के रनों की जरूरत समझी ना खुद की इंडिविजुअल स्कोर की। हार्ड लक इब्राहिम वेलेस्कर, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। हारे जीते अलग बात, लेकिन एज अ प्लेयर ही प्ले वेरी गुड इनिंग। वेल प्ले इब्राहिम वेलेस्कर। पच्चीस में 52 चाहिए, अच्छी बैटिंग की इब्राहिम ने, लेकिन इस बार शॉट एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़ा सा बैट का फ्लो ऊपर चला गया, इसके वजह से लीडिंग एज और लॉन्ग ऑफ पर एक अच्छा कैच। न्यू बैट्समैन गए हर्ष सिंह। पच्चीस में 52। देखिए हर मैच में तो नहीं होगा ना कि किनारे तक आपकी टीम के लिए इब्राहिम वेलेस्कर और कप्तान फराद खान रन बनाएंगे, बाकी खिलाड़ियों को भी तो वही काम करना होगा। अब यहां से प्रतीत और हर्ष सिंह कैसी बैटिंग करते हो देखना होगा। वाव शॉट है भाई, गैप पे थर्ड बैंक की तरफ चौका हो सकता था, लेकिन क्या रोका है। कौन है?
रौनक राज, थोड़ी सी रौनक लाई फील्डिंग में, रौनक ने ये चौका हो सकता था जिसे रोक लिया है भाई। ओवर हो चुके अंपायर, चार ओवर 51 चाहिए, चार ओवर 51 की आवश्यकता। ट्वेंटी फोर बॉल्स में अब 51 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। बने अपटर सिक्स ओवर 24 में 51 चाहिए। लास्ट ओवर्स में जो रन लुटाए थे सनराइजर्स आपने वो बनाने होंगे। हर्ष और उनके साथ प्रतीत मैदान के अंदर, हर्ष के पास स्ट्राइक है। कृष्णा है बॉलिंग के लिए, दो दो कृष्णा इसलिए बोला। ओ कवर रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था, ठीक तरीके से टाइम वॉन टैप हुआ बैकअप खिलाड़ी तेजस गायकवाड़ की। तेजस गायकवाड़ इस मैच में अब तक बॉलिंग करते नजर नहीं आए, शायद इसके बाद देख सकते हैं हम उनको। फिलहाल स्कोर हुआ है 77। इस गेम में 49 रन पॉसिबल है क्रिकेट की अगर नजरिए से देखे तो। अच्छा स्ट्रोक इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रोक खेला था, गेंद जाता हुआ वाइड डिश मिडविकेट की तरफ, खुद आते हैं वहां पर खिलाड़ी निषाद मेरे ख्याल से। हर्ष के बैट से एक आया, प्रतीत प्रॉपर बैट्समैन है ये फिलहाल जिस हिसाब से इन्होंने बैटिंग की है। हर्ष बल्ला घुमाते हैं और एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक आपको दिखाएंगे प्रतीत। हर्ष को यहां पर रन बनाने, बैट घुमाना है, रन पाना है अगर जीत दिलाना है। 22 गेंद 48 स्विच हिट किया है भाई इस बार, रिवर्स स्विप बॉल जाता है स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ। अच्छी रनिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन आ गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80-80, 21 गेंदे 46 का इक्वेशन, 21 गेंदे 46 रन। आधी पिच पर पटकी हुई गेंद और गेंद को खेला ऑनसाइड की तरफ, दो के लिए दौड़े, ये विकेट मुश्किल था भाई। अगर बॉल कलेक्ट हो जाता ना तो फिर मुश्किल बढ़ जाती थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80, ये विकेट हो सकता है, डब्ल्यू आउट। कुणाल राज नाम है इनका कैचर का, कृष्णा को मिली विकेट, फुल टॉस बॉल, हर्ष सिंह आउट। तुषार विष्णु मैन फ्रॉम एमपी यानी मध्य प्रदेश, वहां से आए तुषार बिश्नोई। हर्ष आउट, हेलो हो गया, मेंटल सही कर देगा, मेंटल सही कर देगा। 81 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, कृष्णा बॉलिंग कर रहे हैं, नए बैट्समैन तुषार
बिश्नोई रन आउट का चांस, तीन स्टंप नजर आ रहा है सामने, नहीं किया यहाँ पर थ्रो, पहुंचे तुषार बिश्नोई, कली फ्लाइट पकड़ के आए एमपी से सीधा नवी मुंबई में। अठारह गेंदे जीतने के लिए 44 रन चाहिए 18 गेंदों में, 18 में 44 ना, 18 में 44 18 गेंदे 44 की आवश्यकता, 3 ओवर 44 रन। प्रतीत तुषार बिश्नोई ऑन स्ट्राइक और बॉलिंग मार्क पर तेजस गायकवाड़ पहला स्पेल लेकर अपना, 3 ओवर में 44, अभी भी पार्थ का एक स्पेल बाकी। फुल टॉस बॉल, थोड़ा सा गेंद दूर, अपिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, स्ट्रोक था ऑन दी अप। प्रतीत इस ओवर में रिक्स लेने ही होंगे क्योंकि ऑलरेडी पिछला ओवर उतना बड़ा ओवर नहीं हुआ। 17 गेंदे 43 रन, इट्स पॉसिबल, लेकिन ये चेस कर लेते तो एक जबरदस्त जीत होगी फाइनल तक पहुंचने की सनराइजर्स के लिए। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में और जवाब कैच भी दुमेश मात्रे, वेल ट्राई सनराइजर्स बट अच्छा कैच वहां पर, प्रीत वेल डन, लास्ट जवाब कैच, अंडर प्रेशर आसान नहीं था। मोहित गए बैटिंग के लिए, आउट हुए प्रतीत, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ सनराइजर्स के लिए। रन्स दो बाउंड्री चाहिए यहां से इस ओवर में स्पेशली, 16 गेंदे 43 का इक्वेशन है। गेंदे 43 का इक्वेशन था, बैकअप पे सागर वहां पर आए, एक रन। देखिए एक से कुछ बनने वाला नहीं है, कहते इंसान की प्यास कभी भी बूंद बूंद से बढ़ती नहीं है, चौके छक्के चाहिए, क्रिकेट की भाषा में कहे तो टारगेट, बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए बाउंड्री चाहिए, बड़े बड़े स्ट्रोक। अच्छी बाउंस हुई बॉल है, वेल बोल तेजस गायकवाड़, विकेट पे मिल गया हमको इस ओवर में, ये आंकड़ा कमाल हो जाएगा। आज सभी टीमों ने अब तक एक मैच जीते एक मैच हारे हैं, अगर इस मैच में भी सनराइजर्स हारती है तो कैपिटल भी जीत जाएगी, इससे पहले कैपिटल अपना एक मैच हारी है, और सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि मैच में सनराइजर्स है अभी भी। मिस फील्ड, ये क्रिकेट की कमाल की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, ये वही प्रीत है जिन्होंने मुश्किल कैच पकड़ लिया और ये आसान सा फील्ड छोड़ दिया। क्रिकेट के दो पार्ट्स, 12 गेंदे बढ़ती चाहिए, गेंदे 38 जीतने के भी आसार है पूरी तरह, अगर तुषार बिश्नोई का बल्ला चल जाए तो 12 में चाहिए जीतने के लिए यहां से 38। में 38 चाहिए, अच्छा प्रयास वहां पर, कृष्णा नया स्पेल लेकर, मोहित के बैट से सिंगल आया, अब 37 चाहिए,
सनराइजर्स टीम। लॉक पे गेंद। देखिए सनराइजर्स कप्तान फराद और उनकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए उनको भी अब सोचना पड़ेगा यहाँ से कि इब्राहिम मलेश्कर और फराद ही रन बना रहे, बाकी सब रन नहीं बना रहे, ये समस्या है क्योंकि सामने वाली टीम भी आपकी ये सब गलतियां ढूंढ रही है। बाकी बैट्समैन से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर टूर्नामेंट जितना कठिन हो जाएगा। व्हाइट अंपायर ने दिया है कृष्णा के खाते में विकेट, बाकी बल्लेबाजों को भी रन बनाने होंगे यहाँ पर। स्कोर 90-90, 10 गेंदे 36 चाहिए। बाबा बाबा इतना जोर से चिल्लाए कि हाईकोर्ट तक अपील गई है। अच्छी बॉलिंग की है, 9 रन देकर 2 विकेट लिए कृष्णा ने। 9 गेंदे अब 36 चाहिए। कवर में खेलते ही दौड़ गए और आउट। साहिल जायसवाल आउट होते हुए। आठ गेंदे 36 की आवश्यकता। कैपिटल्स अगर ये मैच जीत जाते, पार चंदन अगर सुन रहे मेरी बात, तो टेबल टर्न एंड ट्विस्ट होने वाला है पूरा। और नेट रन रेट फिर देखेंगे हम क्रिक हीरोज के माध्यम से कि पार्थ को पता है ये मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा, ऑलरेडी पहला मैच वो हारे थे। लेकिन सभी टीम ये कह रही है, एक तुम्हारी एक हमारी, एक मैच जीते टीम एक मैच हारे आज की अगर बात करें तो। थोड़ा सा आगे गिरा बॉल, कॉटन बोल्ड का चांस जरूर था, कृष्णा हंसे फिर उसके बाद कहे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब 6 गेंदों में चाहिए 36, 6 गेंदे 36। पार्थ चंदन क्या ओवर डालेंगे क्योंकि नेट रन रेट भी इंपॉर्टेंट है, या किसी और को ओवर देने गए हैं। गायकवाड़ को दिया है, तेजस गायकवाड़ को। 6 में 36। आज का सभी मैचेस लाजवाब रहा, एक से बढ़कर एक। पहला मैच जीता सनराइजर्स ने, किंग्स को हराया। दूसरा मैच हमने देखा हिसाब से टाइटंस और कैपिटल। टाइटंस वहां पे जीती, उसके बाद किंग्स वर्सेस टाइटंस, किंग्स ने मैच जीता। अब कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स, जिसमें कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। पहली बॉल डाउन द लेग, अंपायर के डिसीजन का इंतजार। अंपायर ने कहा ये वाइड है। 35 चाहिए अब 6 में। लॉन्ग की तरफ बॉल गया। 34 चाहिए 5 में। बैट्समैन आउट। एक और स्टंपिंग आउट कर दिया। 7 विकेट गिर चुके हैं, 92 रन बने। 4 में चाहिए 34। टेबल टर्न एंड ट्विस्ट हो चुका है पूरी तरफ। मजा आया आज का पहला दिन। कल इसके बाद कल के मैचेस एक तरफ होगी,
एपी हमारे खासतौर पर देखा जाए तो आरसीए इंडियंस, उनके सामने आरसीए सुपर किंग्स और आरसीए चैलेंजर्स। एक रन पूरा। एक और विकेट मिल सकता था तेजस गायकवाड़ को, लेकिन अच्छी बॉलिंग की आज तेजस गायकवाड़ ने। दो ओवर के स्पेल में 8 रन देकर 2 विकेट अब तक। डॉट बॉल कौन सा अंकित? बहुत सारे अंकित। अंकित झा दिख नहीं रहे। अंकित झा कहाँ गायब हो गया भाई? कैपिटल्स वाले सबसे ज्यादा तारीफ उनकी करेंगे। एक और विकेट गायकवाड़ के नाम तेजस। और इसी के साथ मैच जीत लिया है कैपिटल्स ने। पार्थ की सेना अभी भी है रहना इस टूर्नामेंट में, कह दिया इनकी परफॉर्मेंस ने। और यहाँ पर अंकित देखिए थोड़े से नाराज, उनको पता है कैपिटल्स नहीं जीतनी चाहिए थी क्योंकि ये टाइटंस के लिए प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन अब टेबल टर्न एंड ट्विस्ट हो गया। लेट्स सी देखते क्या होगा, कितने मार्जिन से मैच जीता गया। 33